Students, welcome to CBR, and today I am going to give the book review of the book CBSE Chapter Wise Solved Papers of Mathematics. So let's start with that. तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास CBSE Chapter Wise Solved Papers of Mathematics. इसमें 2008 से लेकर 2015 तक के सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो फ्रेंड्स ये है इस बुक का फ्रंट पार्ट, ये है इसका साइड पार्ट और ये है इस बुक का बैक पार्ट. इसमें बैक में बस कुछ नहीं, अपनी एड एडवर्टाइजमेंट वगैरह की गई है अरियंत ने. और इसकी जो कॉस्ट है वो है, जो मेरे पास ये बुक है इसकी कॉस्ट है ₹295. तो फ्रेंड्स अब हम इसका इंटीरियर पार्ट को देखते हैं. सबसे पहले इन्होंने वही बुक का नाम वगैरह दिया गया है, फिर इसके बाद प्रीफेस दिया गया है इस बुक का, फिर इसके बाद इन्होंने कंटेंट दिया गया है जिसमें कि जितने भी एनसीईआरटी में कंटेन चैप्टर्स हैं उनके नाम हम यहाँ पे दिखाए गए हैं, फिर इसके बाद इन्होंने कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर दिल्ली का दिया गया है, फिर इसके बाद सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर ऑफ ऑल इंडिया, और फिर इसके बाद लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर्स लास्ट में इस बुक के दिए गए हैं. इसके बाद फिर इन्होंने कोर्स स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें इन्होंने थोड़ा डिटेल करके कंटेंट को दिया गया है, जैसे कि एलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि उसका कॉन्सेप्ट, उसका नोटेशन, उसका ऑर्डर, उसकी क्वालिटी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस तरीके से थोड़ा सिलेबस को डिटेल करके टॉपिक वाइज डिवाइड करके यहाँ पे दिया गया है. फिर इसके बाद जो आता है वो आता है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन किया जाता है. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स के पेपर में 5 types ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल एंड इवैल्यूएशन. इसमें हमें बताया गया है कि 100 marks के पेपर में कितने रिमेम्बरिंग पार्ट से, कितने 1 mark से क्वेश्चन, कितने 4 marks से क्वेश्चन, कितने 6 marks से क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से इसको डिवाइड करके दिया गया है. और इनके लास्ट में यहाँ पे वेटेज भी बताई गई है कि 100 marks के पेपर में किस तरह कितने रिमेम्बरिंग पार्ट से वगैरह, अंडरस्टैंडिंग पार्ट से कितने वेटेज के क्वेश्चन आते हैं. फिर इसके बाद वही सब यहाँ पे दिखाया गया है. तो फ्रेंड्स ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन. इसमें हमें इसके सबसे पहले इसका थोड़ी बहुत थ्योरी पार्ट दिया गया है जिसमें हमें शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी को समझाया गया है. फिर इसके बाद हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें हमें 1 mark क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर इसमें 4 marks के, फिर इसके बाद इसके सारे सॉल्यूशंस मतलब दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन हमें दिया गया है. इसमें कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं, पूरे सॉल्यूशन भी दिए गए हैं. इसी तरीके से हमारे पास जैसे कि सेकंड चैप्टर आ जाता है, इसमें भी सबसे पहले कुछ इसका थोड़ा बहुत हिंट्स वगैरह, थोड़ी बहुत थ्योरीज वगैरह शॉर्ट फॉर्म में हमें दी गई हैं. फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें कि 1 mark क्वेश्चन एंड 4 marks क्वेश्चन एंड फिर इसके सॉल्यूशन हमें दिए गए हैं. इस तरीके से पूरी बुक में यही पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है. इसके बाद फ्रेंड्स हमें लास्ट में इस बुक के इसमें सीबीएसई का जो पूरा के पूरा पेपर इसमें दिया गया है, जैसे कि मेरे पास इस बुक में 2015 का ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड का पेपर इसमें पूरा के पूरा दिया गया है. सबसे पहले इसमें हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जिस जैसे बोर्ड के पेपर में आते हैं, सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, और फिर इसके बाद इसके डिटेल सॉल्यूशन हमें दिए गए हैं. तो फ्रेंड्स ये था इसका आउटर पार्ट और इंटीरियर पार्ट का, इंटीरियर पार्ट में क्या कुछ दिया गया है. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये आता है कि हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे ला सकते हैं. तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे हम स्कूल की स्टडीज करते रहते हैं उसके साथ साथ हमें वी शुड कीप एन आई ऑन द व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स. तो फ्रेंड्स इस बुक में इसी प्रकार से हमें पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में सब कुछ दिया गया है. तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ इस बुक के मेरिट्स में. सबसे पहले इस बुक में पूरा जो बुक है ये ईयर वाइज डिवाइड किया गया है. इसमें 2008 से लेकर 2015 तक के सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए सारे क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्दर हर टॉपिक को इसमें फर्दर इस बुक को इस पूरी बुक को टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है. इसमें 1 mark क्वेश्चन, 4 mark क्वेश्चन एंड 6 mark क्वेश्चन को भी अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है. इस बुक में जैसे कि 1 mark क्वेश्चन अपन को दिए गए हैं उसमें सबसे पहले अपने पास
2015 का 1 मार्क्स क्वेश्चन दिया गया है, फिर 2014 का, 2013 का, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें हमारे को पूरी बुक में क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगा वो इसके सॉल्यूशन का है। इसमें जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो बिल्कुल स्टेप वाइज हैं एंड विच आर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्किंग स्कीम। सो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ दिस बुक। सबसे तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ओवरऑल कंक्लूजन दूं तो इस बुक के बारे में, तो ओवरऑल ये बुक बहुत 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 अच्छी है अगर आप मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस बुक को स्टार देना चाहूँ तो मैं इसको 4.7 स्टार दूंगा, क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी पोजिशन पर स्टैंड करती है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां जाइए और इस बुक को खरीद लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर से लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक सीबीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग सीबीआर।